हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी बजे हैं सुबह के 9:30 बजे। तो मैंने आज क्या किया दोस्तों, वो चटाई वाला आया था, 130 की चटाई ली मैंने, सिंगल ही है। मैं दिखाती आप लोगों को, मेरे को बताना कमेंट में कि मेरे को पुरोड़ी गई कि नहीं गई, महंगी पड़ी वो बताना आपको। मैं बताती हूँ आपको, चटाई दिखाती हूँ। बताइए दोस्तों, मेरे को महंगी पड़ी क्या सस्ती पड़ी, जैसे ज़्यादा महंगी तो नहीं ले ली मैंने, ऐसा पूछ रही हूँ मैं। तो आपको दिखाती मैं चटाई डालने के बाद। चटाई अच्छी है दोस्तों, लेकिन सिंगल ली, अभी गर्मी लग रही है, गर्मी में कैसे नीचे भी सो जाती मैं, इसलिए ली। तो देखिए दोस्तों चटाई, देखिए दोस्तों, सिंगल ही है दोस्तों चटाई, सिंगल चटाई ली दोस्तों। तो दोस्तों कल अब मैंने 2-3 दिन से घर का ब्लॉग डाला ही नहीं है, घर में नहीं थी मैं, बाहर बाहर ही थी। तो अभी घर से शुरू करते हैं, अभी मैं नहा धो के तो फ्रेश हो गई हूँ। बिंदी में छोटी सी लगाती है, तुम्हारे झूठ की वजह से मेरी खातिरदारी में कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। यहाँ पर मैंने जो झूठ बोला है उसकी वजह से जादू चला है। अच्छा, तुमने क्या बोला? चलिए दोस्तों खाना बना लेते, काफी खाना है। तो मैंने सबसे ये कह दिया कि मैं 3 मंथ्स प्रेग्नेंट हूं। जयांती ने मुझे अपने हाथों से पहनाई है। अच्छा, तुम्हें एक अंदर की बात बताऊं, जयांती ने ये बैंगल्स तुम्हारी होने वाली पत्नी के लिए खरीदी है। तुम्हारी बैंगल्स? हेलो आंटी, ने तुम्हें ये सोच के दिया है कि तुम मेरी वाइफ हो, कि मैं अपनी वाइफ को अपने हाथों से दूंगा। लाओ दे दो, फोटो यहाँ दे, भेजियो या नहीं, चलो बता, लाओ दे दो। मैं खाना बना लेती हूँ, बाहर चूड़ी वाला आया है, मेरा भी मन बोल रहा है मैं जाके देखूँ, तो मैं देख लेती हूँ पहले, हाँ फिर खाना बनाऊँगी, या कपड़े तो बाद में धो लूँगी, काम पे जाने के बाद भी धो सकती हूँ मैं कपड़े। प्यास लगी है और बाहर जाके भी देखती हूँ मैं, चूड़ी वाला आया तबीयत भी खराब है दोस्तों, सर्दी हो चुकी है, सर्दी हुई है मेरे को। चलो मैं जाके देखती हूँ, नहीं मजबूत है क्या, तो फिर 100 भी दो, नहीं ये पण भारी बर का, तो शूट के बेटा बोल जल्दी, कालच्या दिवशी याच्याकडून स्थान तुम्ही मग काय साडी साडी का तीन चार अडीचशेलेच लावल्या कोणाच्या आईने, ते पाटील मावशीने, ते देवी नाही का गं देवीची बायको,
तिने घेतल्या का? नाही, तिच्या आईने घेतल्या, चार घेतल्या, 250 लावले असेल ते. आपल्याला भाव नाही सांगतात ते, खरी सांगत नाही असं नाही, खरी भाव सांगता नाही ते आपल्याला. खुर्ची आधी त्यांनी कोणी आपल्याला खरी भाव सांगितले? उद्या कुठे गेले होते? काल काल घरी दिसलेस नाही. मी आलू घेतले होते 4 15 भावांना. तिकडे सासूच्या तिथे चूल आहे ना, शिजवले मटेरियल घेऊन थाली टाकून दिले. वर मग इकडेच करायला काय झालं होतं? नाही ना, मग ती चूल आहे ना, गॅस किती जात. इकडे बी करू शकता चुला, विटा ठेवल्या की झालं. गाड्या गाड्या तिथं भरपूर आहे ना. मी 2 वेळा पाहिलं, म्हटलं ताई घरी नाही आहे गड्या. मी गाडी बी पाहिली तुमची, म्हटलं जाऊ दे काय. आणि मला असं वाटलं गावाला गेल्या आणि त्याच्यानंतर परदेशी मावशी बी गावाला जाईल, सोनेरी मावशी बी गलीत कोणीच नाही असं वाटायचं की जाऊच दे. असं नाही पण सांगायला पाहिजे वाड्यातल्या वाड्यात. साड्या साड्या घेतल्या म्हणे 250 ला. पाटील मावशीच्याही आहे ना, तेच तर आहे आपल्या वाड्यात. म्हणजे एक की नाही आहे आपल्या वाड्यात. तू आपण आपलं बरोबर सांगतोय की नाही? हा तेच नाही सांगता ना. बटाटे काय किलो आणले होते? 15 चांगले मिळाले. मग 15 पण मग खूप मोठे पाहिजे मला. सुट्ट्यामध्येच होणार तेव्हाच होणार थोडं. मला चकलीपेक्षा आलू टिप्स आवडतात. आता का रिक्षाने जाते का सोना? हा का, आता हा तो रिक्षावाला घरापर्यंत येतोय ना आवाज द्यायला, मॅडम झालं झालं का असं. चांगल्या घरी घालण्यासाठी बरोबर. आणि त्या बांगड्या कालच्या दिवशी तो मला बी म्हणे ऐकलं का दीपाताई कालच्या दिवशी? कालच्या दिवशी तो मला म्हणत होता गाडी मला बी भेटणार आहे. सेकंड काय माहिती, सेकंड भेटते की नवी लेकीन भेटणार आहे ते काय मामाजी टाकीजवळ का तिथं भेटते ना. खूप किंमत आहे मावशी, आता 1.5 लाखापर्यंत गेली स्कूटी. पण 1.5 लाख किंमत आहे आता. हां झालं स्वयंपाक झाला? खिचडी का बरं? काका नाही येत घरी? हा ना तब्येत आहे, पहिले सुखी दुखी तब्येत आहे. तुम्ही डेली रेग्युलर गोळ्या चालू राहू द्या. आणि आता सध्या मावशी मौसम खराब आहे बरं, सर्दी वगैरे चालू आहे. पण गोळ्या घेण्याचा बी खूप कंटाळा येतो बाई. चला नाही आता करते ना, कामं झाले वरचे, झाडू पोछा करून घेतला, आंघोळ बिंघोळ, कपडे भांडे घासले मी, कपडे पडले आता स्वयंपाक करते पटकन. ड्युटी ना. ड्युटी 4:12 करून घेते.
चला दीड वाजे डबा करायचा आहे. काय म्हणता? हा लगेच होईल डबा. पण जुसा तयारीला टाइम लागतो ना, मग मला टाइम लागतो ना तयारीला. हाय दोस्तों, देख के आ गई मैं, बहुत महंगा बोल रहा है चोरी, इसलिए मैं वापस आ गई. और चलो मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ. थैंक यू, पर मैंने नहीं ले जा सकती प्रिया. और मैं खाना बनाते बनाते आपको कुछ बताऊंगी. मेरे साथ जो बीत चुके हैं वो बताऊंगी. और दोस्तों मेरे को कमेंट में बताइए सही में कि चटाई मेरे को महंगी गिर रही कि नहीं. चलो मैं खाना बना रही हूँ अभी जल्दी जल्दी, ड्यूटी पे जाना है मेरे को. ड्यूटी बोले तो वो मैं सहेली ना वो जाती है वो दुकान में लगी, लेकिन कैसे है वो गई नहीं ना, उसकी तबीयत खराब है. मैंने आपको बता नहीं, आपको नहीं बताया, तो उसके जगह पे मेरे को जाना है काम पे. तो जल्दी जल्दी मैं खाना बना लेती. दोस्तों मैं तुम्हें खाना बाद में बताऊंगी बनाऊंगी. आज का वीडियो यही ख़त्म करती क्योंकि मूड ही नहीं हो रहा है मेरा काम करने का, खाना बनाने का, ड्यूटी पे भी जाने का. तो मैं क्या सोचे, मैं बाद में बताऊंगी आपको जो बीत गया है ना मेरे साथ, वो बताऊंगी मैं मेरे बचपन की कहानी. तो मैं अगले वीडियो में आपको स्पेशल वही बताऊंगी. तो आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ. और शेयर करो, मदद करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो. और वंदे मातरम.